नेक्स्ट आओ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट रेटिंग क्या अभिनव वीडियो ऑन करो। शिवांगी क्यों बंद कर लेते बाबू, शिवम बाबू हद करते आप लोग, थोड़ा सा टाइम मिलता है कि एकदम बंद करके बैठ जाता है। हमारा अभिनय प्रकाश ठीक है, लेट से आता है लेकिन कम से कम आता तो है। सर हम भी बैठ जाते सर बाबू, 2x3, 8x9, 60x8 और इतना का एलसीएम एसएफ निकालिया है ना, तो देखो कैसे करना। अभी लिखोगे बाबू ऊपर ऊपर छोड़ दिए जान के है ना, इसलिए आपको लिखने में ना बने, ऊपर अभी लिखाएंगे ठीक है। तो अगर बाबू हमको क्या निकालने कह रहा है, एलसीएम अगर निकाले कह रहा है बाबू, एलसीएम अगर पहले निकालेंगे तो हम लोग क्या जो निकालना कहेगा, अब शांति से सुनो, जो निकालना कहेगा एलसीएम निकालना कहेगा चाहे एसएफ, ये दो निकालना कहेगा। तो अगर एलसीएम निकालने कह रहा है तो न्यूमिनेटर वाले का एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालने कह रहा है तो हम लोग किसका लिखा रहे हो, एलसीएम निकाल, न्यूमिनेटर होगा ना सर एलसीएम, और बाबू एलसीएम न्यूमिनेटर में क्या है सर, टू है, शैतान इसको न्यूमिनेटर कहते हैं इसको डिनोमिनेटर कहते हैं ठीक है ना। तो टू हो गया सर, ठीक है सर, एट हो गया सर, 16 हो गया सर, 10 हो गया। न्यूमिनेटर वाले का क्या निकालेंगे, न्यूमिनेटर है 2, 8, 16, 10 बाबू, उसका एलसीएम निकालेंगे, और डिनोमिनेटर वाले का क्या निकालेंगे, एससीएफ निकालेंगे। डिनोमिनेटर वाले का क्या निकालेंगे बाबू, एससीएफ निकालेंगे, किसका सर, 3 सर 9 सर 8 सर 27 ठीक। जब भी किसी भी फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ रहे शैतान, शांति से सुनो, फ्रैक्शन में नंबर अगर दिया हुआ है बाबू ठीक है, ठीक है, तो न्यूमिनेटर वाले का जो निकालना कहेगा, जो निकाल जैसे एलसीएम निकालने कहेगा तो क्या निकालना, जो निकालना कहेगा ऊपर में उसका निकालना, मतलब क्या सर एलसीएम निकालने कह रहा है तो न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालना ठीक, और नीचे नीचे का क्या निकाल देना, एलसीएम उल्टा क्या एलसीएफ होता, जैसे यहाँ कहता है एससीएफ निकालना तो न्यूमिनेटर का क्या निकालता है, एससीएफ निकालता है ठीक। अगर एलसीएम निकालने का तो न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेगा, एसएफ निकालने का तो न्यूमिनेटर का हमसे एसएफ निकालना ठीक, ठीक सर। तो ये तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का न्यूमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एसएफ निकालेंगे ठीक है। अब एलसीएम बाबू 2, 8, 16, 10 का कौन होगा, जल्दी से बताओ बाबू इसका, तो वही इसमें क्या करना, वह सबसे छोटा मल्टीपल बाबू, तो बड़का पकड़ो, बड़का पकड़ो 16 पकड़ो और 16 को मल्टीप्लाई करो, और देखो बाबू कौन सा आता है जो मेरा 2 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल ठीक है, 80 कौन होगा सर, 160 बोलती है बाबू बताओ, 160 होगा, नहीं नहीं 80 होगा, शैतान कहीं एकदम सुसाइड करने का दिन आइए गया बाबू, अब क्या करें एकदम। कितना होगा सौम्या, 2, 8, 16, 10 का कितना होगा एलसीएम, बिना देखे हुए बिना सोचे हुए सौम्या, सर इसका सर 80 होगा, सर 80 होना चाहिए, सब गलत है, बताओ अभिनव प्रकाश कितना होगा, अभिनव प्रकाश से हमारा कहाँ गया सर, मेरा 160 आता है, हाँ बाबू ठीक है, आप बताओ अभिनव प्रकाश, अभिनव प्रकाश आप बताओ सर 80 होगा, 80 होगा, शिवम बाबू आप बताइए, देखते हैं किसका किसको एलसीएम आता है कि भूल के बाबू, 80 होगा सर, आप बताओ प्रखर, 16 होगा सर, 16 होगा, हाँ मेरे बाबू, बाँ मेरे लाल, आप तो होगा, अच्छा नाम रोशन है, सत्यम बल्कि सत्यम लोग आप बताओ, सत्य 80 होगा, प्रकाश सिंह आप भी कुछ बोल दो बाबू, प्रकाश सिंह सर 80 होगा, अरे शैतान एलसीएम निकालना 2, 16, 18 का बाबू, इतना सारा क्वेश्चन करवा दिया इसमें आके, यही होता बाबू कि पूरा रामायण खत्म हो गया, पता नहीं है बाबू किसी तक किसकी वाइफ है, इतना सारा एलसीएम 4 दिन से पढ़ा रहे हैं, शिवांगी पानी लेना इसमें नाक इसमें डुबोना, नो सर 80 होगा, आप मेरे को कंफ्यूज कर दिए, कभी 160 पे बोलते हैं सही है, कभी 80 पे कहते हैं सही है, मेरा 80 आए, हम क्यों बाबू, हम तो गलती बोलवे करेंगे ना, आप अपना जो बना उस पर थे ना रहो, डेडिकेटेड रहो, सुसाइड करने से कोई रास्ता नहीं दिखता, अरे शैतान 2 है सर 8 है सर 16 है और 10 है, तो इसमें हम एलसीएम निकालना तो क्या निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है सर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल मतलब सबसे बड़का नंबर पकड़ना 16 और इसका मल्टीपल निकालना, तो देखो जो मल्टीपल आएगा बाबू, इसका जो मल्टीपल निकालेगा वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना, तो 16 का 32 सेकंड मल्टीपल, 16 का टेबल पढ़ना 32 मेरा किससे डिविजिबल है सर, 2 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल, 10 से डिविजिबल है, तो ये वाला मल्टीपल नहीं होगा, तो नेक्स्ट टेबल पढ़ो, 16 दुनी 32 सोलतिया बाबू, 16 3 जा 48 10 से डिविजिबल है 48 बाबू, 48 को क्या बाबू 10 डिवाइड करता है नहीं ना, करता है नहीं करता, नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 16 64 64 बाबू क्या 10 डिवाइड करता है बाबू, बल्कि बाबू 64 बाबू क्या 10 से डिवाइड होता है, 64 देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 64 10 से डिवाइड नहीं ना होगा, तो नेक्स्ट बाबू 16 64 65 80 हो जाएगा,
80 सर क्या 2 से डिवाइड होता है? हाँ सर। 8 से डिवाइड होता है? हाँ सर। 10 से डिवाइड होता है? हाँ सर। तो यही ना हो गया बाबू, यही हो गया ना, सुसाइड करोगे, सुसाइड के सब कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 80 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा बता दो प्रकाश सिंह, 3, 9, 8, 7। इसका एलसीएम बताइए, ये एलसीएम क्या करेंगे? सबसे छोटका नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करें। एलसीएम क्या? सबसे छोटका नंबर वो जो दिए गए नंबर को डिवाइड करें। बताइए बाबू सौम्या प्रकाश सिंह, बताओ जल्दी से। 1 सर, 1 होगा सर, 1 होगा, 1 होगा सर, नहीं होगा सर। पहले क्यों नहीं सबसे पहले बोलते प्रकाश सिंह? सर पहले मैंने बोला 1 होगा सर, कोई बोलने देगा था ना, दूसरा कोई तो टपक जाता है। बताओ शिवम, बताओ कितना होगा, बताइए शिवम बाबू। 1 होगा और क्या। चलिए अच्छी बात है, सीक्वेंस ऑर्डर डेली बोलते हैं, लिखेंगे एक विरोध में लिखते हैं। अच्छा बाबू रुक, अटेंडेंस चढ़ाइए देते हैं, ठीक है ना, काहे रहेगा, कौन कौन सा है चढ़ाइए देते हैं, अटेंडेंस सभी मार्किंग कर देते हैं, बहुत सारा चढ़ा, बहुत सारा नहीं चढ़ा। अब कितना बाबू एलसीएफ होगा? 3, 9, 10 का 1 हो जाएगा, है ना। तो बाबू एलसीएफ 1 आ गया ना, तो यही बाबू एलसीएम हो गया, एलसीएम बाबू एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया किसका सर? 2/3, 8/9 और 60/ इसका एलसीएम कितना हो गया? 80 हो गया। बोलने के लिए 80 हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब इसका क्या निकालोगे? एलसीएफ निकालोगे। अभी आप इसको लिखना बाबू, है ना, उसके बाद मेरा टाइम बचे ना, हम लिखते हैं, अटेंडेंस करते हैं। एलसीएफ इसका निकालेंगे, तो एलसीएफ क्या निकालेंगे? जब भी एलसीएफ निकालना रहेगा तो न्यूमिनेटर जो यहाँ निकालना रहेगा वही न्यूमिनेटर का फाइंड करना। अगर इसमें तो सर 1 आ रहा है, अगर 3, 4, 5 ये सब आ गया किसी में तो 3/5 आ जाएगा और क्या, देखो ना समझ में आ जाएगा। अगर बाबू एलसीएफ निकालने का रहा तो न्यूमिनेटर का हम लोग एलसीएफ निकालेंगे, मतलब क्या सर? एलसीएफ अब बाबू, एलसीएफ अब बाबू, एलसीएफ बाबू, एलसीएफ अब बाबू, 2 हो गया, 8 हो गया सर, 16 हो गया सर, 10 हो गया, ठीक है। और बाबू क्या निकालेंगे? न्यूमिनेटर का एलसीएफ निकालो तो न्यूमिनेटर का एलसीएफ निकालोगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम अब बाबू किसका सर? 3 सर, 9 सर, 8 सर और 27 सर। ठीक ठीक, अब इसको ऊपर हम लिखते चार लिखाते हैं बाबू, हेडिंग क्या देंगे शैतान? हेडिंग क्या देंगे बाबू? एलसीएम एंड एलसीएफ बाबू ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू एलसीएम बाबू एंड एलसीएफ बाबू, एलसीएम एंड एलसीएफ बाबू ऑफ फ्रैक्शन का, ठीक है। ठीक है सर, सर पहले एलसीएफ निकालिए बता सर। बाबू कोई लिखो ना सीक्वेंस ऑर्डर, क्या दिक्कत है बाबू, किसी को कोई लिखो ना, ठीक है बाबू। सर हमको क्या निकालना? एलसीएम निकालना बाबू, तो फ्रैक्शन में क्या रहेंगे बाबू? जब भी फ्रैक्शन नंबर रहेगा तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है, जैसे 3/4, 3/6, 3/8 ये सब, तो न्यूमिनेटर एक टर्म हो गई, डिनोमिनेटर एक टर्म हो गई, तो एलसीएम निकालना बाबू, तो न्यूमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर बाबू, ठीक है, क्या लेंगे बाबू? एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का क्या लेंगे बाबू? एलसीएम ऑफ बाबू न्यूमिनेटर, ठीक है। अब बटा बाबू डिनोमिनेटर क्या लेंगे? एलसीएफ लेंगे, एलसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, ठीक है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू एलसीएफ अगर निकालना, एलसीएफ निकालना शैतान, एलसीएफ निकालना, तो जो निकालना है न्यूमिनेटर में उसी का निकालेंगे, एलसीएफ निकाला तो न्यूमिनेटर का एलसीएफ निकालेंगे, एलसीएफ ऑफ बाबू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम ऑफ बाबू डिनोमिनेटर। सर ऊपर जो खाली स्पेस छोड़े थे तो सर उसी में ये लिखेंगे। हाँ बाबू आप पहले क्यों प्रिंट कर लिए शैतान, हो गया ना कंफ्यूजन, हमको पहले ही ना आपको बोले थे बाबू, हम जगह छोड़ के किए थे। हाँ तो लिखिए जैसे बोर्ड पे लिखा उस तरह से लिखिए, राइट डाउन कीजिए बाबू, अब राइट डाउन करो, इसका निकालना, इसका निकालना। अभी बाबू हम अटेंडेंस क्या ठीक कर रहे हैं, नाम चढ़ाने की कोशिश करते हैं, कौन कौन स्टूडेंट नया है पुराना है। ज़हराज वेदांत भी नहीं आया, उसका अटेंडेंस भी कर दीजिएगा। हाँ बाबू वाह, शिवांगी चलो आज नया फ्रेश पेज पे चढ़ाते हैं, शिवांगी 1 रोल नंबर, सेकंड में कौन था सर? हम सर बोर्ड पे भी लिख दीजिए मार्क्स, मतलब कि नाम। अच्छा नाम लिखेंगे तो रोल नंबर बता देंगे, रिश्का नहीं है, सतीश बाबू 2 रोल नंबर, शिवानी तो है, शिवानी 3, शिवानी के बाद शिवम, जो शुरू से स्टार्टिंग से सीख उसके बाद अभिनव प्रकाश है,
अभिनव प्रकाश, सौम्या, उसके बाद हाँ बाबू बोले ना सर, क्या बोले सतीश आपका दो बाबू, प्रकाश सिंह, अभिनव आनंद, हाँ अभिनव आनंद, फिर सौर्या उरिया तो है नहीं, आरन और अनी सब नहीं है, और इतना हो गया आठ स्टूडेंट हो गया बाबू, पुराना सर, नए का कौन है, ओम शर्मा, वेदांत बाबू सर हम भी हैं सर, आओगे ना दिल्ली, यस सर, चलो ठीक है था, यस क्या बाबू, यस पांडे नाम है, यस सर, आप आओगे ना प्रखर, यस सर, आ रहा है यस अच्छा ये रिसीता प्रखर, एक हो गया चौरसिया का, तभी आता पता नहीं है बाबू, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लिखिए बाबू, तो एक रोल नंबर शिवांगी का, दो सतीश का, शिवानी का तीन, शिवम का चार, अभिनय प्रकाश पांच, सौम्य आपका सिक्स, प्रकाश सिंह आपका सेवन, अपना अपना याद रखेगा, आनंद बाबू आपका एट, इस बैच में, ये बैच एट है, बैच ए में, बी में चेंज भी हो सकता है, सी में और चेंज हो सकता है, ठीक है ना, अभिनव आनंद आपका एट, शर्मा जी आपका रोल नंबर नाइन, वेदांत का दस, यश पांडे आपका इलेवन, और प्रखर आपका ट्वेल्व, 23 महीना से बाबू बनाएंगे, है ना, 10 तारीख से बाबू, इस बैच में तो 10 का महीना होता है, हो गया बाबू, चलो तो कल से बाबू रोल नंबर बोर्ड पे उधर उधर साइड में क्या लिखेंगे, रोल नंबर लिख देंगे और उसी टर्न से पूछेंगे, ऐसे में क्या आता ना बाबू, किसी का टर्न आता है, किसी का टर्न गायब हो जाता है, अल्फाबेटिक वाइज सर नहीं लिखते क्या सर, अरे नहीं बाबू, जैसे जैसे पहले जो स्टूडेंट आया ना वो उसी अनुसार चढ़ा हुआ अटेंडेंस पे ना, और जैसे आता उसी को आगे बढ़ाते जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखेंगे तो फिर भी तो आप तो लास्ट ही में पढ़ोगे ना, या पहले पढ़ोगे, हाँ बाबू सर, 1/2 आंसर आता है, सर इसका आंसर है 2/216, हाँ बाबू आप तो नाम ही रोशन कीजिएगा ना बाबू, आपके कहाँ सर, 1/2 का, अच्छा देखते हैं बाबू, देखो बाबू बनना तो ठीक है ना, एशिया एशिया बाबू निकालेंगे सर, एशिया निकालेंगे सर, म्यूट कर लो, 2/8 बाबू, 16/10, अब इसका एशिया निकालो, तो एशिया क्या होगा सर, एशिया में सबसे छोटे का नंबर पकड़ो ना बाबू, जो सभी को डिवाइड करना चाहिए, तो 2 है बाबू, 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 16 को डिवाइड कर रहा है, 10 को डिवाइड, सारे को डिवाइड करना है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, क्या दिक्कत है सर, तो मैं अभी तो इतना ही बोली, हाँ हमेशा तो यही बोलती हो लेकिन गलती हो जाता है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 3 सर, 6 सर, 8 सर, 27 सर, अब बाबू इसमें बड़का नंबर, एलसीएम में बड़का नंबर पकड़ो, तो एलसीएम में बड़का नंबर पकड़ो, जो क्या करे बाबू, सभी नंबर से एलसीएम में मल्टीपल निकालना है ना, जो सभी नंबर से डिविजिबल हो गए, तो 27 बाबू 3 से 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 27 का मल्टीपल निकालो, 27 से 50 से डिविजिबल है सर, 6 से नहीं है, हाँ बाबू, तो ये बाबू इसका मल्टीपल क्या होगा, 54 होगा, जो बाबू 8 से डिविजिबल नहीं ना, 54 बाबू 8 से डिविजिबल तो है नहीं, तो मल्टीपल निकालो बाबू, मल्टीपल क्या होगा, नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 81 होगा, 81 बाबू क्या है, इसका मल्टीपल निकाले 81, तो 81 डिविजिबल है, निकाले कौन सा आएगा बाबू, सबसे कौन सा मल्टीपल, 216 आएगा, चलो ठीक है, तो सर मेरा सही था, फिर मेरे को गलत बोले, वो तो जान के बोले बाबू, कि सब आपके पीछे पीछे ना बोले, 216 होगा, हाँ 216 हो जाएगा सर, 216 कैसे आएगा
बताइए ना एक बार। अरे शैतान निकालिए ना इसका, निकालिए ना, बता तो दिए बाबू। सर 27, सर 27 8 होता है 216। हाँ बाबू 216 बाबू, 8 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। ना समझे प्रखर, तो एलसीएम अबाउट 36 है, एलसीएम अबाउट इसका कितना आ जाएगा सर? सर 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 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर का एलसीएम सर 2 हो गया, नीचे का 216 हो गया। ना समझे प्रखर सर, इसको कट डाउन नहीं कर सकते सर। तो एलसीएम सर, एलसीएम सर ऊपर निकाले सर 80 आ गया सर, वो वाला मैं बता दी सर, एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? क्या ऊपर वाला यहाँ बाबू? हाँ सर, हाँ सर। अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया शैतान की, इस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालो। और बाबू इसी में सेकंड क्वेश्चन बाबू, इसी फ्रैक्शन का एसीएफ निकालो। कोई भी फ्रैक्शन का एलसीएम एसीएफ सब निकालोगे ना बाबू, स्टार्टिंग से तो बोल रहे हैं, तो एलसीएम निकालो। सर वो वाला समझा दीजिए। हाँ बाबू, तो अगर बाबू ये फ्रैक्शन है बाबू, फ्रैक्शन है तो इसका आकार है कि एलसीएम निकालिए, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एसीएफ निकालेंगे। अब एलसीएम 2, 8, 16, 10 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम कितना होगा? तो बाबू एलसीएम इसका निकालिए ना, इतना सारा मेथड को बता दिया, तो 80 आ जाएगा, 80 हो गया एलसीएम। एलसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एलसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 80 हो गया आंसर, एलसीएम हो गया 80, इस फ्रैक्शन का एलसीएम हो गया 80। और बाबू एसीएफ हो गया कितना? 2 by 160। हां लीजिए लीजिए ना बाबू, लीजिए। तो फ्रैक्शन का हम लोग इसी तरह से एलसीएम एसएफ निकालेंगे। उसके बाद बाबू आपको अभी आप इसमें क्वेश्चन करवाते हैं। कौन भागा जी? सतीश भागा होगा, भागने में तो वही तेज है। लिख लिया बाबू? यस बाबू, यस। देखो सर इसको काट नहीं सकते हैं। लिखने दो, तो लिखे वो जल्दी से। तो एलसीएम एसीएफ का बाबू इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ने के लिए है, ठीक है ना, कहीं नहीं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बाबू, क्वेश्चन नंबर सेकंड बाबू 4 by 3 बाबू, 4 by 9 बाबू, 2 by 15 बाबू, क्या हुआ यस बाबू, 36 बाय बाबू, 36 बाय बाबू, 21। सुबह में ठीक है, शाम को ही पढ़ेगा नहीं, खाली लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा, कभी मम्मी से, कभी भाई से, कभी इससे, कभी उससे। बनाइए इसको जल्दी से, बनाओ यस। Yes? चल गया, देखो शैतान बनाए इसको जल्दी से। 4 by 3, 4 by 9 बाबू, 2 by 15, 36 by 21 है। कौन बनाता है सबसे पहले, कौन बनाता है? यस, नहीं सुन रहा है, क्या कर रहे हो बाबू, फाइट कर रहे हो क्या? यस सर, बोलिए सर। कहा थे कि मम्मी से लड़ रहे थे? झगड़ा करने में तो माहिर हो बाबू। नहीं सर, दीदी से। सर एलसीएम 12 आता है बाबू। हाँ निकालिए, एसएफ निकालिए, सही है, निकालिए। पर यस बाबू, दीदी से खाली झगड़ा करते, बाद में झगड़ा कीजिएगा। बोलता कैसा दीदी? सर एलसीएफ 3 आता है। देखिए निकालिए कितना आता है, निकालिए देखते हैं बाबू। बनाए प्रकाश से, हमारा प्रकाश ही पूछता कुछ नहीं है क्या बाबू, समझ में आता है कि ऊपर ऊपर सब पार हो रहा है बाबू? तो आ रहा है तो पूछते क्यों नहीं बाबू, या रिस्पॉन्स जल्दी क्यों नहीं देते, क्या दिक्कत है बाबू, समझ में नहीं आता। बोन मीटर कंप्लेंट थोड़ा कीजिए। अरे एचसीएफ होगा 2 by 105। 2 by 105
सर एलसीएम 72 होगा। नहीं बाबू 72 और एलसीएम होगा 12। सर कितना होगा? एलसीएम 12 आएगा। देखो बाबू सर 2/3 आएगा एलसीएम। चलिए ठीक है, नहीं ना बनाए यस यस बाबू, नहीं ना बनाए सर एलसीएम तो 12 आ रहा है सर बनाए। तो कितना आया सर? हाँ बन रहा जी। आएगा अरे बता रहे शैतान। देखो एलसीएम बाबू एलसीएम है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम क्या निकालें बाबू? तो एलसीएम हम नोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम बाबू किसका निकालेंगे? 4 है सर 4 है सर 2 है सर और 36 का एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएफ निकालेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएफ 2 होगा। 3 है 9 है 15 है और 21 है। ठीक है, अब एलसीएम बाबू इसका 4 4 2 36 का एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा? 4 4 2 6 36 मतलब वह छोटका मल्टीपल कर जो इस सारे को डिवाइड करो तो 4 को भी 36 बाबू 4 को भी 36 बाबू 4 से भी डिवाइड हो रहा है इस 4 से इस 2 से तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। एलसीएफ बाबू इसमें क्या निकालो? इसमें सबसे छोटका नंबर लो बाबू जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो गए। बाबू इसमें क्या लो? सबसे छोटका नंबर लो। तो सबसे छोटा नंबर ये सर, और देखना ये सारे को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सर 3 बाबू 9 को डिवाइड कर रहा है, 15 को डिवाइड कर रहा है, 21 को डिवाइड कर रहा है, 3 हो जाएगा। इसमें क्या करना था तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको 3 12 टाइम्स कैंसिल कर दो तो एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसका एलसीएफ फाइंड करते हैं। तो एलसीएफ फाइंड करना क्या आएगा? तो न्यूमरेटर वाला का एलसीएफ निकालना। एलसीएम फाइंड करना क्या आएगा? तो न्यूमरेटर वाला का एलसीएम निकालना। जो फाइंड कर रहा है उसी में न्यूमरेटर उसी का निकालना। अगर बाबू एलसीएफ निकालने का रहा, एलसीएफ निकालने का रहा बाबू, ठीक है, तो न्यूमरेटर का क्या निकालना? एलसीएफ निकालने का रहा तो न्यूमरेटर का एलसीएफ निकालना। एलसीएफ अब बाबू, एलसीएफ अब बाबू 4 का बाबू, 2 का बाबू और 36 का, और एलसीएम किसका निकाल देना? एलसीएम बाबू 3 का 9 का बाबू 15 का बाबू और 21 का। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अब बाबू एलसीएफ निकालो। एलसीएफ निकालो 4 4 2 36 का एलसीएफ कितना होगा? तो एलसीएफ क्या होगा सर? एलसीएफ छोटका नंबर पकड़ो, एलसीएफ क्या होगा बताए बाबू? जो छोटका नंबर बाबू जो सभी सभी को डिवाइड करे, यही होता है ना बाबू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 4/126 सर। एलसीएफ क्या होगा? एलसीएफ इसका क्या होगा? 4 4 4 एलसीएम निकालो तो 3 9 15 21। ठीक है, तो एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या सर? वह सबसे छोटका नंबर, वह सबसे किसका मल्टीपल में, मल्टीपल में छोटका नंबर जो जो नंबर आएगा वह 3 से भी डिविजल होना चाहिए, 9 से भी डिविजल होना चाहिए, 15 से डिविजल। तो इसमें क्या करना? बड़का नंबर पकड़ना और इसका ये क्या नहीं मल्टीपल निकालो। तो किसका टेबल पढ़ो? 21 का है कि 42 डिवाइड हो रहा है सर सारे नंबर, सारे नंबर से नहीं ना डिवाइड हो रहा है। फिर 43 जा 63 डिवाइड हो रहा सारे नंबर से, 15 से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह से टेबल पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 105 एक आ जाएगा, 105 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? एक पेज एक ही पेज 9 से थोड़ी डिवाइड होगा, 105 नहीं होगा सर। 9 से थोड़ी डिवाइड होगा। हां 9 से नहीं होगा, 315 होगा सर। कितना आ जाएगा? 315। इस तरह से आप लोग टेबल पढ़ते जाना। और नहीं टेबल पढ़ने का मन है बाबू तो अपना ये निकालो एलसीएम, जो ट्रेडिशनल मेथड है उस तरह से फाइंड करो सर। एक बार उस तरह से बता दीजिए ना, उस तरीके से भी। अरे शैतान ऐसे ये 3 हो गया सर, 9 हो गया सर, 15 हो गया सर, 21 हो गया। तो एक तो बाबू फैक्टर करके निकाल सर, बहुत सारे मेथड है ना, फैक्टर करके निकालो। अनेबल तो ट्रेडिशनल मेथड में ऐसे निकालो, पहले काम से लेंगे, पहले 3 है बाबू, 3 से लेंगे तो 1 टाइम में, 3 टाइम में, 5 टाइम में, 7 टाइम में। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बाबू फिर 3 से लगाओ तो 1 टाइम में, 1 टाइम में, 5 टाइम में, 7 टाइम में, अल्लाह जब तक करते रहेंगे बाबू, जब तक लास्ट में क्या आ जाए 1 1 नहीं आ जाए, ये 1 हो गया। जब तक करना बाबू, जब तक 1 नहीं, लास्ट में 7 बच गया तो 7 से लगा दो, 1 1 1 और 1, तो मल्टीप्लाई करो 3 3 5 7, ये 3 3 9 और 9 5 45 45 और 7 कितना हो जाएगा? 45 7 मल्टीप्लाई कर दो बाबू, 315 आ जाएंगे। तो ये हो गया, सेफ हो गया सर। इसका आंसर आता है 157.5। हाँ बाबू डेसिमल में, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में रखो, लिखे बाबू सर मेरा दोनों सही था। हाँ बाबू चलिए अच्छी बात है। अभिनय प्रकाश समझ में आता है? अभिनय प्रकाश समझ में आ रहा है? हाँ बाबू
एक क्वेश्चन कौन जल्दी से बताएगा? 1/3, 1/2 बता दो क्वेश्चन नंबर 3। 1/3, 1/2 बाबू और 3/7 बाबू और बाबू क्या 4/11 है, बनाइए। तो एलसीएम में सेफ निकालिए था। सर एलसीएम 38.5 होगा। सर एलसीएम 12। यस सर। हाँ एलसीएम 12 का है सर, मांझी का है से करते बाबू। एलसीएफ निकालिए सर, एलसीएम 12 आएगा। यस सर 12 होगा सर, सॉरी सर। अब थोड़ा ये गलती होगा सर, मेरे साथ तो गलती ये होता। यस फिर ये जाके यस सर कितना आएगा बताइए जल्दी से, पढ़ता लिखता नहीं है खाली इधर उधर करता है दम। सर एलसीएम आएगा सर 12। हाँ एचसीएफ कितना आएगा सर? एचसीएफ आएगा सर 77। कितना है अपना प्रकाश बताइए जल्दी से सर, एक बार बता दीजिए ना सर। अरे सर एचसीएफ 1/6/2 आएगा। 4/6/2 बाबू। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर आया। तो थर्ड में क्या दिक्कत हो रहा है आपको? एलसीएम निकालने का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। 1/3, 1/1/3 का एचसीएफ कितना होगा देखो बताते हैं। सुसाइड एकदम खाली लड़ाई तो करता बाबू, फाइट तो करते हो, लगता है कि हम ही सुसाइड कर ले आपको जेल में डलवा दें, हद करते बाबू, केस हो जाएगा आप पे। टीचर ने मेंटल प्रेशर में आकर सुसाइड किया, यस के कारण इतना प्रेशर दोगे तो कैसे होगा बाबू बताओ, कैसे कोई टीचर पढ़ा पाएगा बताओ। तीन क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चा की तरफ, दिमाग ही इसका इधर उधर रहता है, खाली जाए कहो ना कि मॉल में भी कौन सा ऑफर चल रहा है, कौन सा चल रहा है बाबू विशाल मेगा मार्ट में। ठीक है हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालेंगे बाबू? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम तो नोमिनेटर का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम नोमिनेटर का निकालो। एलसीएम अब बाबू किसका सर? 1 सर 1 सर और 3 बाबू अब 4 बाबू। और डिनोमिनेटर का क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। एचसीएफ अब बाबू किसका सर? किसका सर? 3 2 7 11 3 2 7 11 ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू अब 1/1/3/4 का एलसीएम कितना होगा सर? तो इसको सर हमको बच्चा भी रहेगा ना सर तो बता देगा, मल्टीप्लाई सर क्या प्राइम नंबर है ना बाबू, दोनों को मैं प्राइम नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 12 होगा। अब इसमें बाबू हुआ कॉमन फैक्टर खोजे बाबू, जो 3 से 3 को भी डिवाइड करे, 2 को भी डिवाइड करे, 7 को डिवाइड करे, 11 करे, कॉमन फैक्टर खोजो। जैसे ठीक ना, नहीं कुछ होगा बाबू, नहीं कुछ होगा तो जहां 1 होता है, देखो सबसे छोटा पकड़ना 2 है, तो 2 बाबू क्या 3 को डिवाइड करता है? नॉइस सर। तो 2 से छोटा नंबर कौन होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो 1 ना आएगा बाबू। ठीक है तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा एलसीएम। ठीक एचसीएफ बाबू, एचसीएफ अगर निकालना तो नोमिनेटर में क्या सर? नोमिनेटर का एचसीएफ निकालो बाबू। तो एचसीएफ बाबू, एचसीएफ बाबू, एचसीएफ किसका सर? 1 सर 3 1 1 3 है बाबू, 4 है। ठीक है, ठीक है सर। बट बाबू डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है उसका एलसीएम निकालो। डिनोमिनेटर में क्या है सर? एलसीएम है बाबू, एलसीएम है। अब बाबू किसका सर? किसका सर? ये 3 है बाबू, 2 है बाबू, 7 है बाबू और 11 है। तो इसका एलसीएफ कितना हो जाएगा बताओ? यस बाबू, वह 1/1/3/4 का एलसीएफ कितना होगा? नहीं बताएगा ना क्या सर? 1/1/3/4 का एचसीएफ कितना होगा? यस 1 होगा। हाँ और एलसीएम 3 2 7 1 का कितना हो जाएगा?
सर ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अरे डिफिकल्ट क्या, कोई नंबर इसमें कॉमन होगा, कोई एक फैक्टर है जो कॉमन हो रहा है, सारे का सारे प्राइम नंबर है, तो सारे का सारे यदि प्राइम नंबर होते बाबू तो मल्टीप्लाई सीधे कर देना, सारे का सारे अगर बाबू प्राइम नंबर अगर अवेलेबल है बाबू तो इसमें बता दिए बाबू, पढ़ में नहीं करता है तो सारे का सारे अगर प्राइम नंबर तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 × 7 × 11 तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो 462 आ जाएगा। अरे देखो ना 3 × 6 = 42 और ये 440 प्लस समझे, तो थोड़ा पढ़िए यस बाबू, ऐसे क्यों करते हो, लड़ाई झगड़ा कीजिए, हम मना नहीं करेंगे ठीक है ना, ऑफर का थोड़ा पता कीजिए लेकिन पढ़ाई के समय में ये सब मत कीजिए, खाली शैतानी करता दुलार में खाली फूल गया, हाँ मेरे पास रहता मारते खींच खींच के ना सब मम्मी पापा का ये लाड़ प्यार में फूल गया। सर आप मारते भी हैं सर, तो क्यों नहीं मारेंगे बाबू, कल ये ना 9th वाले को पीट के आए, फोर्थ बराबर मास इंटरसिलेशन फॉर्मूला पे नहीं देख सबको डिस्कशन घूम लिया जाके सर, तब तो फोन फूट गया होगा आपका सर, सर पीटे होंगे तो जाके पिटते नहीं बाबू, कल एक दिन ऑफलाइन आया था, कुछ स्टूडेंट आया था मैंने पढ़ने के लिए स्कूल में, ट्रायल चल रहा ना, एडॉप्ट रिहर्सल चल रहा ना, रिहर्सल चल रहा है, एक दिन आ जाता सप्ताह में एक आधे तो आया तो धुने सबको मन से पिटे सर जितना।